ओके तो यहाँ पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पे हम आज जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आज हम बनाएंगे पोर्टफोलियो के ऊपर, ठीक है ना। पोर्टफोलियो क्या होता है, तो अब पहले तो अब चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, उससे पूछते हैं चैट जीपीटी हमें ये बताओ पोर्टफोलियो में और सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या वेरिएशन होता है। तो इसके बाद हम यहाँ से चले गए, अपना चैट जीपीटी खोल लेते हैं और यहाँ से हम आ गए इसके ऊपर और यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर हम आ गए और अपन चैट जीपीटी को हमने कहा ओपन आई पे क्लिक किया। चैट जीपीटी ओके लाइकवाइज सबसे पहले आप उस जब तक हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं जो कल हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी। इसमें एक ऑप्शन आता है फिर हमारे पास एनिमेशंस का। अब एनिमेशंस में हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर अपने टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट्स को हम मोशन दे सकते हैं। लेट सपोज मोशन कैसे, कल हमने सीखा था कि हम स्लाइड्स को कैसे मोशन दे रहे थे, इस तरह के इफेक्ट्स। तो अब हम सॉरी ये तो उस पर आ रहा है, ट्रांजिशंस पर आए थे, तो हमने अपने स्लाइड को ट्रांजिशन देना सीखा था। तो ये पूरी ट्रांजिशन जो अप्लाई हो रही थी वो पूरी स्लाइड पे हो रही थी। अगर एक कंपोनेंट को, मिसाल के तौर पर टेक्स्ट को, शेप को, ऑब्जेक्ट्स को, किस तरह से आप इसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म के मोशन दे सकते हैं। तो हमारे पास एनिमेशन के टाइप में जब आएंगे तो हमारे पास एनिमेशन में हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज मिलती है। पहले हमें सेलेक्ट करना होगा वो टेक्स्ट जिसको हमें मोशन देना है, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद हमने उस पर क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके एंट्रेंस इफेक्ट पर आ गए। जैसे एंट्रेंस इफेक्ट पर आए तो हमारे पास एंट्रेंस के मोर एंट्रेंस इफेक्ट भी हैं, तो यहाँ से हमने इसको खोल लिया। अब यहाँ पे ये सारे एनिमेटेड इफेक्ट जो हैं वो इसको डील करेंगे। लेट्स सपोज कि चार कैटेगरीज हैं, बेसिक, सबटल, मॉडरेट और उसके बाद हमारे पास आता है एक्साइटिंग। तो यहाँ पे क्लिक करके कर्व अप पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इस पे कर्व अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट अप्लाई होगा। अगर हम ऊपर जाते हैं अपीयरेंस पे तो ये अपीयर इफेक्ट है, बॉक्स इफेक्ट पे इस तरह से अप्लाई होगा। क्रिएट सर्कल इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, डिजोल्व इन इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, पीक इन इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, रेंडम बार्स कुछ इस तरह से इफेक्ट, स्ट्रिप्स इस तरह से होगा, व्हील इस तरह से अप्लाई होगा, ब्लाइंड्स इस तरह से अप्लाई होगा, डायमंड इस तरह से अप्लाई होगा, चेकबोर्ड, फ्लाई इन प्लस स्प्लिट, वेज, वाइप, स्पैंड, ठीक है, फैड, सर्वाइवल, जूम, बेसिक जूम, ठीक है, सेंटर रिवॉल्व, कंप्रेस, फ्लॉट अप, राइज अप, स्ट्रिच, स्पिनर, ग्रो एंड टर्न, फ्लॉट डाउन। तो ये सारे इफेक्ट इस पर अप्लाई होंगे। कुछ इफेक्ट के सब ऑप्शंस भी हैं। लेट्स सपोज फ्लाई इन लेते हैं और उसको ओके करते हैं, तो जैसे ओके करेंगे फ्लाई इन तो ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा, इसकी साइन ये इस पर वन लिखा हुआ आ जाएगा। इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, इसको करेंगे फ्रॉम बॉटम लेफ्ट तो यहाँ से अप्लाई होगा, फ्रॉम लेफ्ट तो यहाँ से अप्लाई होगा, और उस पर क्लिक करेंगे फ्रॉम टॉप लेफ्ट तो यहाँ से अप्लाई होगा। उसके बाद हम यहाँ से फ्रॉम राइट करेंगे तो यहाँ से अप्लाई होगा, फ्रॉम टॉप करेंगे तो यहाँ से अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको क्लिक करेंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे और यहाँ से जाके आप इसको कोई दूसरा इफेक्ट दे दें, फॉर एग्जाम्पल प्लस दे दें, ये प्लस इफेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, आउट करें इस तरह से अप्लाई होगा, सर्किल फ्रेम पे देखना चाहते हैं और अगर फिर इसके बाद बॉक्स पर देखना चाहते हैं तो ये इस तरीके से अप्लाई होगा। सेम इफेक्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पिक्चर के ऊपर तो क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ से जाएंगे आप एंट्रेंस इफेक्ट पर और यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। याद रखें एंट्रेंस इफेक्ट कैसे अप्लाई होते हैं, जब आप उसका स्लाइड शो करेंगे तो स्लाइड शो में ये होगा कि स्लाइड बिल्कुल खाली होगी और ये इफेक्ट एक एक करके अप्लाई होंगे। ये देखिए पहले हमारा स्लाइड शो चलेगा, उसके बाद पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा, यानी कि एंट्रेंस में स्लाइड बिल्कुल एम्प्टी होती है और जितने भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई किया होता है वो वन बाय वन अप्लाई होते हैं। सिमिलरली अगर इसी चीज को हम आगे देखें तो यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके फिर आते हैं हमारे पास एग्जिट इफेक्ट्स, बिल्कुल अपोजिट है एंट्रेंस इफेक्ट के। एग्जिट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक करके एग्जिट इफेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जिट इफेक्ट नजर आएंगे, जैसे ब्लाइंड्स, चेकबोर्ड। एग्जिट इफेक्ट में ये होगा कि पहले जो भी कॉन्टेंट है वो सामने होगा और जब प्रेजेंटेशन चलेगा तो वो स्क्रीन पर से गायब हो जाएगा। लेट्स सपोज फ्लाई आउट इस पे लगाते हैं, ओके कर दिया हमने, फिर कहाँ पे फ्लाई आउट करें, टू लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ चला जाएगा। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इस पर अप्लाई करेंगे यहाँ से एक और एग्जिट इफेक्ट, यहाँ से जाएंगे एग्जिट इफेक्ट के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करके स्पिनर इफेक्ट लगा देते हैं या फिर ड्रॉप इफेक्ट लगा देते हैं या फिर बेसिक सर्वाइवल इफेक्ट लगा देते हैं। ये बिल्कुल उसके अपोजिट हो गए, सेम इफेक्ट है पर ये अपोजिट काम करेंगे। इसका फ्लॉट राइज अप कर देते हैं। अब जब स्लाइड शो करेंगे तो आप देखेंगे पहले से कंटेंट स्लाइड पर मौजूद होगा लेकिन वो वन बाय वन करके वहां से हट जाएगा। तो ये देखिए पहले हमारा स्लाइड शो चला, ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई हुआ, ये पहले से मौजूद है, ये चला गया और फिर यहाँ से ये चला जाएगा। एंट्रेंस में वो एंट्री देगा
और एग्जिट में वो चला जाएगा। इनके बरक्स दूसरे इफेक्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं एम्फसाइज इफेक्ट्स। एम्फसाइज इफेक्ट्स ना एंट्री देंगे ना एग्जिट होंगे, बल्कि वो वहीं पर ही आपकी कोई अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, मोर एम्फसाइज इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके एक इफेक्ट है जिसका नाम है बोल्ड। तो ये देखें, बोल्ड करेगा इसको टेक्स्ट को, ब्रश कलर चेंज करेगा, देखिए इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री कलर करेगा इसके ऊपर, या फिर डिसैचुरेट कर देगा इसकी कलर कंडीशन चेंज करेगा, बोल्ड करके अंडरलाइन दे देगा, पल्स इफेक्ट देगा इसे ब्लिंक करेगा, लाइटिंग इफेक्ट देगा, डार्कर इफेक्ट देगा, टीथरिंग इफेक्ट देगा, या फिर ग्रो एंड विद बैकग्राउंड कलर इस तरह से कोई इफेक्ट देगा, शिमर इफेक्ट देगा, या फिर कलर पल्स का इफेक्ट देगा, ब्लिंक इफेक्ट देगा इस तरह ब्लिंक करेगा, वेव इफेक्ट देगा, ये देखिए इस तरह वेव करेगा, बोल्ड करेगा इसको टेक्स्ट को। तो यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो आप लगाना चाहें लगा दें। इसमें मैं टीथरिंग दे देता हूँ और इस पर क्लिक करके इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करके फिर इनको भी एम्फसाइज इफेक्ट देता हूँ, मोर एम्फसाइज इफेक्ट्स में जाके, और यहाँ से मैं इनको शिमरिंग इफेक्ट भी दे सकता हूँ, ये देखिए इस तरीके से वेव इफेक्ट भी दे सकता हूँ। अब वेव में देखें बाय लेटर हो रहा है, तो एक एक लेटर को ये इफेक्ट जो है अफेक्ट करेगा, तो प्रीव्यू करके देखें, ये देखें इस तरह होगा और फिर ये इस तरह से ये पूरे को अप्लाई करेगा। इसके बाद स्लाइड शो करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ना ये एंट्री देगा ना ये एग्जिट होगा, भाई पहले हमारी ट्रांजेक्शन चलेगी और ट्रांजेक्शन चलने के बाद ये अपना काम करेगा। तो इस तरह से आपकी स्लाइड के अंदर क्या क्रिएट हो रही है? इंटरेक्शन। ह्यूमन आई को केज करने के लिए जब तक कोई चीज मूवमेंट नहीं करेगी तो आपकी प्रेजेंटेशन पे लोग हो सकते हैं उस पे से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, वो इधर उधर सोचने लग जाएं। जब ये चीजें मूवमेंट कर रही होंगी तो उनको अच्छा लगेगा और वो उसके ऊपर अट्रैक्शन का एक सबक बनेंगे और आपका आई कॉन्टेक्ट उनके साथ बना रहेगा। तो ये तीन किस्म के इफेक्ट्स हैं जो हम इस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अब एक इफेक्ट्स के ऊपर एक एड एनिमेशन का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे एक स्लाइड पे मैं दोनों इफेक्ट देना चाहता हूँ, मतलब इस पिक्चर पे मैं दो इफेक्ट देना चाहता हूँ। फ्लाई इन कराऊं मैं इसको, ये देखिए फ्लाई इन करूं तो ये इस तरह से इन करे और उसके बाद ये आउट करे तो फिर यहां से आउट कर दे नीचे की तरफ। अब प्रॉब्लम ये है कि एक वक्त में आप एक ही इफेक्ट दे सकते हैं, या तो यहाँ से या तो आप देंगे फ्लाई इन या देंगे फ्लाई आउट। सो मैं तीन इफेक्ट कैसे दे सकता हूँ उसको, या दो इफेक्ट कैसे दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे पहले क्लिक करना है और यहाँ से जाके पहले मुझे इफेक्ट को नन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहला इफेक्ट मुझे क्या देना है, फ्लाई इन करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये देखिए लेफ्ट साइड से अंदर आ गया। उसके बाद एड एनिमेशन और यहाँ से दूसरा ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन देते हैं सपोज टू टीथरिंग का, ये हमने टीथर कर दिया, और एड एनिमेशन फिर उसका तीसरा इफेक्ट देते हैं फ्लाई आउट का, और यहाँ से क्लिक करके उसको फ्लाई आउट कर दिया। प्रीव्यू किया तो ये देखिए इन किया, टीथर किया और ये आउट कर दिया। इस तरह से दो तीन इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग एड एनिमेशन, और इस तरीके से आप काफी इफेक्ट्स पर लगा सकते हैं। अब एक और फीचर है जिसका नाम है एनिमेशन पेंटर, ये वाला पेंटर क्या करता है, इस फीचर को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, मिसाल के तौर पे कोई भी इफेक्ट जो मैंने इसको दिया है वही इफेक्ट इसको देना है, मतलब मेरे कोई भी इफेक्ट जो बनाया है वो इफेक्ट इसको देना है, तो बार बार वही इफेक्ट यहाँ से एक्शन अगेन रिपीट करने के बजाय मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करूंगा। एनिमेशन पेंटर क्या करेगा, इसके इफेक्ट को कॉपी कर लेगा और जिस पे अप्लाई करूंगा वो उस पे अप्लाई हो जाएगा, वेदर वो टेक्स्ट हो या वेदर वो शेप हो या ऑब्जेक्ट हो, जैसे फॉर्मेट पेंटर वो फॉर्मेट कॉपी करता था। तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे अप्लाई हो गया, दोनों पे सेम इफेक्ट अप्लाई होगा, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। अब आते हैं एनिमेशन के ड्यूरेशन और डिले को कैसे कंट्रोल करते हैं। प्रीव्यू करें, जितनी देर में ये एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है इसे हम कहते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब अभी ये आधे सेकंड में परफॉर्म हो रहा है, मैंने बढ़ा के इसको दो सेकंड में कर दिया, अब यही हिस्सा दो सेकंड में परफॉर्म होगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और इस हिस्से को थोड़ा और फास्ट करना था, सेलेक्ट करके मैंने इसको दो सेकंड से कम करके कर दिया इसको आधे सेकंड के ऊपर, ये जल्दी से परफॉर्म हो जाएगा, ये देर से हो रहा है और नीचे वाला जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट डिले, देखिए डिले का मतलब होता है रुकना, मिसाल के तौर पे ये एनिमेशन कितनी देर के बाद परफॉर्म हो, फॉर एग्जांपल मैंने इसका डिले रेट रखा परफॉर्म होने के बाद 2 सेकंड और इसका भी डिले रखा 2 सेकंड और अब देखते हैं। तो देखिए 2 सेकंड के बाद पहले ये परफॉर्म होना शुरू होगा, 2 सेकंड में परफॉर्म होगा, फिर 2 सेकंड का गैप आएगा, फिर अगला वाला 2 सेकंड में परफॉर्म होगा, एंड देन इसका डिले रेट इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो ड्यूरेशन एंड डिले इस तरह से होता है। फिर स्टार्ट विद क्लिक, ऑन क्लिक, ये सारी चीजें वही है कि ये खुद से चले या एक के बाद दूसरा चले, दूसरे के बाद पहला चले, इसको ऑर्डर तरतीब करना कहते हैं, इसको कभी हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें देखेंगे करते हुए, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एनिमेशन के सारे इफेक्ट जो यहाँ से आप इजिली इस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर जो हमने खोला था यहाँ पे चैट जीपीटी, हम इसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन एंड पोर्टफोलियो। तो ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि रहे
कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड पोर्टफोलियो सर्व डिस्टिंक्ट पर्पसेस, ठीक है ना, मतलब दोनों का इस्तेमाल अलग अलग मकासद के लिए होता है एंड आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ देयर डिफरेंसेस, इसका ब्रेक डाउन बनाया। सेल्फ इंट्रोडक्शन का पर्पस हो सकता है, अ सेल्फ इंट्रोडक्शन इज इंटेंडेड टू ब्रीफली प्रेजेंट वन सेल्फ टू अदर्स ऑफन इन सोशल एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स इन एम टू गिव अ क्विक ओवरव्यू हु यू आर। सही है। अब यानी कि जहां पर भी आपने अपनी एंट्री देनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लास ज्वाइन की, आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया, आपने कहीं पर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, सो यू हैव टू क्रिएट सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके कंटेंट्स कुछ ये होंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल समरी, इंटरेस्ट एंड गोल्स एंड कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक डिटेल्स। फिर इसके बारे में आप अपने बारे में अलग अलग स्लाइड्स पर बना लेंगे। इसका फॉर्मेट ये होगा, यूजुअली वर्बल और इन शॉर्ट रिटन फॉर्मेट। ठीक है, परहैप्स आर डिफरेंट डिलीवर्ड इन पर्सन मीटिंग्स एंड ड्यूरिंग इंटरव्यूज। बता भी रहा है कि कहाँ पर आप ये चीजें कर सकते हैं, इन पर्सन किसी बंदे से आपने मीटिंग करी है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको बुलाया कि मुझे ये काम करना है, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो इन पर्सन मीटिंग में आगे। ठीक है, इन मीटिंग्स, मीटिंग्स में क्या है कि आप कहीं पे मीटिंग में चल रही थी, वहाँ पे आपको खड़ा किया गया, तो आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन कराया, उसमें आ गया। ड्यूरिंग इंटरव्यू, आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है, वहाँ पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। और इन नेटवर्किंग इवेंट्स, नेटवर्किंग इवेंट्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे आप कनेक्टेड हैं, मुख्तलिफ ग्रुप से आप कनेक्टेड हैं, उनके इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे आप अभी जा रहे हैं उधर, वो भी एक सोशल नेटवर्किंग इवेंट है, वहां पर आपको अपना इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिलता है। सो वहां पर आप इस तरह की चीजों को कर सकते हैं। अब आते हैं पोर्टफोलियो में, इसका पर्पस क्या है। आप पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ वर्क दैट शोकेस योर स्किल्स। समझ में आ गया। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी, प्रोफेशनल समरी के क्या क्या कर चुके हैं, इंटरेस्ट एंड गोल्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डिटेल्स, जो किसी से रिलेटेड आपके पास डिटेल्स है। लेकिन पोर्टफोलियो इट्स समथिंग अबाउट के इज अ कलेक्शन ऑफ वर्क दैट शोकेस योर स्किल्स, यानी कि एक पूरा शोकेस क्रिएट करना है जिसमें आपकी स्किल्स को आपने एक्सप्लेन करना है। इस तरह की चीज क्रिएट करनी है पोर्टफोलियो में, इसमें आपने अपनी स्किल्स बतानी, अकम्पलिशमेंट्स, क्या क्या चीजें आप कर चुके हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट आप कर चुके हैं, क्या क्या डिग्री ले चुके हैं, एंड एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड, और आपका तजर्बा किस फील्ड में रहा है, आपने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की है। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड डिटेल्ड एविडेंस ऑफ योर कैपेबिलिटीज। ये एक पूरा मुस्तविदा जो प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे, या वेब के ऊपर पोर्टफोलियो बना रहे हैं, या आप डॉक्यूमेंट का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ये एक एविडेंस होता है कि हु यू आर, आपने क्या क्या कर लिया है, आपके माइलस्टोन्स कितने अचीव कर लिए, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, कि आप अपने आप की एक पब्लिसिटी, मतलब अपने आप को एक दुकान बना के पेश कर रहे होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। कंटेंट क्या होते हैं, वर्क सैंपल्स, जो काम किया है उसके सैंपल्स भी लगाने हैं। इफ मिसाल के तौर पे आपने बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हैं, तो जितने कंटेंट्स लिखे हैं उनके सैंपल्स भी लगाने हैं। बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, उनके सैंपल लगाने, बहुत अच्छी ब्यूटिशियंस हैं, तो दुल्हन ने जो तैयार किए उनके फोटोज लगाने हैं, बहुत अच्छे टेलर हैं तो जो सूट्स किए उनके सैंपल्स भी लगाने हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं तो जो फोटोज खींचे उनके सैंपल्स लगाने हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। बहुत अच्छे टीचर हैं तो जहाँ जहाँ क्लासेस कंडक्ट की हैं, जो जो लेक्चर हैं, लेक्चर दिए हैं, नोट्स हैं, उनके लिंक्स हैं, उनके फोटोज लगाने हैं। सही है। तो आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट्स, पास्ट प्रोजेक्ट जो आप कर चुके हैं, असाइनमेंट्स बना चुके हैं, और वर्क रिलेवेंट ऑफ योर फील्ड, जिस फील्ड से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ लिखें, उनके डिजाइन सैंपल लगाएं, या डिजाइनर आपने कोई चीज बनाई है तो लगाएं, डिटेल डिस्क्रिप्शन डालें, एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच वर्क, हर एक काम को डिटेल से एक्सप्लेन करें, इंक्लूडिंग योर रोल, अपना रोल भी बताएं, स्किल्स के बारे में बताएं, और फिर आपके क्या नतीजे उसमें हासिल हुए और आपको क्या उसके ऊपर इनामात या अचीवमेंट मिली, उनका भी जिक्र आप उसमें करेंगे। एक रिज्यूमे भी उसमें ऐड कर दें, मतलब अपनी सीवी भी उसमें डाल दें जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद हो। रेफरेंस डालें जिन लोगों ने आपसे काम करवाया और उन्होंने आपकी तारीफ की, आपको कोई सर्टिफिकेट दिया, उनकी डिटेल्स भी डालें। जैसे कि अगर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उनके अब कौन कौन सी जगहों पर क्या जॉब्स कर रहे हैं, उनके फोटो के साथ उनके कमेंट्स लाइन भी लिखें, ताकि लोगों को और एतमाद हो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स, जो आपको सर्टिफिकेट मिले, अवार्ड्स आपने हासिल किए, उनके भी फोटोज लगाएं और उनके बारे में डिटेल्स लिखें। उसका फॉर्मेट कैन बी अ फिजिकल और ब्लाइंडर फोल्डर विद अ प्रिंटेड मटेरियल और डिजिटल और वेबसाइट और पीडीएफ। ठीक है, वेबसाइट भी बना सकते हैं, फिजिकल प्रिंटेड भी बना सकते हैं, और डिजिटल टूल्स में बनाएंगे तो वेबसाइट, पीडीएफ, ऑनलाइन पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अपने प्लेटफॉर्म्स डाल सकते हैं। ऑफन यूज ड्यूरिंग जॉब एप्लीकेशंस, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस टू पोटेंशियल क्लाइंट और एम्प्लॉइज। कहाँ पे यूज होगा इसका, जब आप कहीं पे अपनी जॉब एप्लीकेशन पुट करेंगे, जब आप कहीं इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे होंगे, या आप प्रेजेंटेशन अपनी बनाकर किसी क्लाइंट्स की तरफ डिलीवर कर रहे होंगे,
तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एक प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे इसी डिफरेंस के ऊपर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड पोर्टफोलियो, ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझ लें। फिर उसके ऊपर आपको टॉपिक बनवाएंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है और सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे बनता है। सही है, समझ में आ गई बात ये? और उसमें एनिमेशन, ट्रांजेक्शन और डिजाइन सबका इस्तेमाल करेंगे।